खबर खलारी से, जहां बालू की खबर चलने के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया। 900 करोड़ की लागत से बन रहे शायलो प्रोजेक्ट के काम में खुलेआम अवैध बालू का इस्तेमाल किया जा रहा था। एनजीटी की रोक के बावजूद एक तरफ जहां सीधे दामोदर और सफीर नदी में से बालू उठाया जा रहा था, और वहीं गलत तरीके से चालान खरीदकर राज्य सरकार को राजस्व का भी नुकसान कराया जा रहा है। ऐसे में अवैध काम को रोकने के लिए जवाबदेह का सरकार पर अधिकारी खामोश हैं। कंपनी के लोग क्षेत्र के कुछ सफेदपोशों के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से बालू का अवैध कारोबार कर रहे हैं। वहीं सीसीएल और राज्य सरकार से जुड़े कई काम बालू के कारण रुके हुए हैं, लेकिन मधुकोन और राइट्स का काम कभी भी बंद नहीं हुआ। प्रतिमाह 125 करोड़ रुपये का कारोबार होता है। वहीं शिकायत मिलने के बाद खलारी अंचलाधिकारी प्रणव अमस्था ने मधुकोन कंपनी पहुंचकर मामले की जांच की और कहा कि सभी कागजात की जांच की जाएगी, गलत पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। आज हम यहाँ पर लघु खनिज की जांच में आए थे, जिसकी सूचना समाचार के माध्यम से प्राप्त हुई थी। यहाँ पर बालू और पत्थर का भंडारण पाया गया। प्रथम दृष्टया ऐसा लगा कि ये बहुत ज़्यादा अवैध भंडारण है, परंतु जांच के क्रम में इस कंपनी के द्वारा चालान दिखाया गया है, जो कि खनन विभाग को भेजा जाएगा। जांच के बाद जो भी होगा वो इस कंपनी को कठोरतम से कठोरतम, अगर गलत होती है तो कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।